स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों IBPS RRB PO प्री का एग्जाम 12 और 13 सितंबर को है। आप में से कुछ कैंडिडेट का 12 को है, कुछ कैंडिडेट का 13 को है। अपने पास ओनली जो है 3 डेज बचा हुआ है। 3 डेज में जो है प्री कैसे क्वालिफाई किया जाए, आप सभी को इस वीडियो में बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आपने उसको फॉलो किया तो 100% आप प्री का एग्ज़ाम जो है 3 डेज में जो है क्वालिफाई कर लेंगे। मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने भी इस फॉर्म को भरा है और मेरा एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को है। मैं बैंकिंग के साथ साथ और भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता हूँ। मैंने बहुत सारे बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मैं आने वाले टाइम में आप सबको इसके बारे में बताऊँगा। मेरा जो टारगेट है मैं उसको अचीव कर लूँगा तो ज़रूर आप सबको जो है सामने आकर के बताऊँगा। लेकिन मेरा एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को है और मैं अभी जहाँ पर हूँ यहाँ से जो है मोर देन 2000 किलोमीटर जो है मेरा सेंटर है। अगर मैं सेंटर पर पहुँच पाया तो मैं एग्ज़ाम जो है ज़रूर दूंगा और आप सबको जो है बताऊँगा कि एग्ज़ाम जो है कैसे गया। आप सबको एक बात बता दूं कि SBI क्लर्क प्री के बाद से मैंने कोई भी जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाया। मैं दूसरे एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन कर रहा था। आज से मैं वीडियो अपलोड करने के बाद से मैं भी IBPS RRB PO के लिए जो है मॉक टेस्ट जो है लगाना शुरू कर रहा हूँ। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कीजिए, ज़रूर जो है प्री क्वालिफाई होगा और प्री क्वालिफाई आप लोग कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि प्री एग्ज़ाम जो है हार्ड नहीं होता है, इसमें जो है सिर्फ आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर में जो है कूल होकर के जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अभी बताता हूँ कि अपने को क्या करना है। जो मैं करने वाला हूँ वो बातें आपको बता रहा हूँ। अपने को जो है 9 सितंबर है, आज के दिन जो है कोशिश करना है कि आपको 3 to 4 टेस्ट आपको लगाने हैं और मेमोरी बेस्ड पेपर जो है ज़रूर होना चाहिए। मेमोरी बेस्ड पेपर जो है, जितना आप मेमोरी बेस्ड पेपर जो है आप लगा सकते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर होगा और उससे जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। और मेमोरी बेस्ड पेपर जो होता है पिछले साल का एग्ज़ाम में जो आया होता है उसी के बेस पर होता है, तो उसको जो है आप ज़रूर लगाइए। कोई भी एग्ज़ाम का हो, IBPS RRB PO का हो, क्लर्क का हो, IBPS PO का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, मेमोरी बेस्ड पेपर जो आप ज़रूर लगाइए। IBPS RRB PO का मेमोरी बेस्ड पेपर का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप जा करके अभी इस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। अब आपका जो है 10 सितंबर का क्या होना चाहिए टारगेट, इस दिन जो है अपने को जो है 5 टेस्ट लगाना है। कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको दूसरे स्टेट में जाना होगा तो ट्रेन से जाएंगे तो ये तो आपका टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको जो है कोशिश करना है कि आपको जो है टेस्ट जितना आप अटेम्प्ट कर पाए उतना आप जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो 10 तारीख का टारगेट क्या होना चाहिए कि कम से कम जो है 5 टेस्ट होना चाहिए और एकदम जो ये टेस्ट होना चाहिए, स्कोर कितना भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं। आपने कितना देर में आपने पजल को बनाया, DI को बनाया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको 10 तारीख का टारगेट है कि 5 अपने को टेस्ट करना है। इसमें मेमोरी बेस्ड पेपर का डिफरेंट साइट से जाकर के जितने सारे मेमोरी बेस्ड पेपर है उसको लगा लीजिए। सभी मेमोरी बेस्ड पेपर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको जाकर के देखिएगा। अब 11 तारीख का भी ऐसे ही अपने को करना है, 5 टेस्ट अपने को लगाना है। इससे क्या होगा, आप 10-12 टेस्ट अगर लगा लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो है लेवल बढ़ जाएगा और आप प्री एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेंगे। मैं भी ऐसे करता हूं, देखता हूं कि मैं एग्जाम में जो है कितना स्कोर कर पाता हूं। मैं आप सबको अगर सेंटर पर पहुंच गया तो मैं आप सबको बताऊंगा कि एग्जाम मेरा कैसा गया। मैं आप सबको 12 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा उसका भी रिव्यू दूंगा और 11 तारीख तक अपने को पढ़ना है। 12 तारीख को देखना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आ रहा है, जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर जो है डिफरेंट साइट पर आएगा उसको किया जाएगा। और एकदम कूल रहिए, अच्छे से अभी प्रिपरेशन करिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जो है आप अभी कूल रहेंगे तो ही एग्ज़ाम पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने देंगे वो लोग, नहीं तो आपका टेम्परेचर वगैरह बढ़ गया, आप परेशान हो जाएंगे तो आपका हो सकता है टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप लोग एकदम कूल रहिए, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आने वाले टाइम में जो है एग्जाम कैसे गया उसके बारे में बताऊंगा और मैं अपने बारे में भी जो है आप सबको बताऊंगा अपने चैनल पर कि मैं क्या करता हूं, मैं कौन से एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, आने वाले टाइम में अपना टारगेट मैं अचीव कर लिया तो आप सबको जो है डेफिनेटली बताऊंगा। अभी आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।